का मंत्री जो आजकल यहाँ पर इन्होंने कैंडिडेट बनाया हुआ है, रोता हुआ है कि गए मेरे पिताजी को ऐसे ड्रामेबाज बंदे को तुम दोगे वोट या देने दोगे किसी को? यही देखना है, रोते हुए बंदे को कौन वोट देता है भाई? कमाल हो गया। अगर जस्टिस की बात आए, अगर मेरा बाप 6 बार चीफ मिनिस्टर रहा होता, मेरा बाप भाई फिटू थे, अभी भी भाई फिटू रिटायर हुए पीछे आदरणीय जयराम जी, देखो जयराम जी का स्वभाव देखो। मैं जब 2014 में नहीं 17 में हम लोग जब डिप्टी स्पीकर बने, गोविंद जी साक्षी इस बात के, तो मैंने उनको एक न्योता दिया। आप सोचो जयराम जी कितने भावुक और कितने कर्मण व्यक्ति हैं। मैंने उनको न्योता दिया, मैं कहा जी मेरे पिताजी अभी रिटायर हो रहे हैं और वो पाइफिटर रहे हैं, आपकी बहुत सारी व्यस्ताएं होंगी, लेकिन मेरा है कि आप आते तो मेरे लिए बड़ा सौभाग्य होगा। अब मन में तो ये था कि पता नहीं जयराम जी स्वीकार करें ना करें, क्योंकि एक पाइफिटर कहां IAS IPS रिटायर हो जाते हैं, चीफ मिनिस्टर को कहां समय मिलता है। लेकिन उन्होंने कहा कि मेरा कार्यकर्ता, मेरा चुनाव का विधायक और मेरा डिप्टी स्पीकर, उसके पिताजी रिटायर हो रहे हैं, चाहे वो अभी पाइफिटर हैं, चाहे वो कुछ किसी और पद पर भी होते, तो भी मैं तेरे चुराह आता और मेरे गांव झांस में आए, मेरे पिताजी का मान सम्मान बढ़ाया। बोलने का मतलब क्या है कि जो अपने पिता के प्रति श्रद्धा होती है, या जिस पिता के कारण आज हम यहाँ भाषण दे रहे हैं, उस पिता का अगर आपके सामने अपमान हो रहा है, जिस दल में, जिस समूह में, जिस पार्टी में, क्या उस पार्टी में उस व्यक्ति को बने रहना चाहिए? नहीं बने रहना चाहिए। माँ बाप क्या रोए रो जाते हैं, और हमारे सामने वो रोया चिल्लाया बिलखा, लेकिन फिर भी सुखविंदर सुक्खू जी तो व्यवस्था परिवर्तन लाने के लिए आए हुए हैं। ये तो विक्रमादित्य जी को बात समझ नहीं आ रही है। मैं आपके यहाँ मन से उनको एक वो दे देता हूँ मशवरा, उर्दू में कहते हैं मशवरा दे देता हूँ, कि जिस तरह से अग्निहोत्री जी है ना आजकल वो डिप्टी क्या बने हुए हैं, सीएम, डिप्टी सीएम बने हुए हैं, उनसे तो मैं डिप्टी स्पीकर ठीक था। मेरी जब गाड़ी निकलती थी ना तो सारे चौक चौराहे पे जय हिंद नमस्ते राम सदा की पूरी होती थी, और हमारी फाइल कभी नहीं रुकती थी, क्योंकि हमारे पीछे जो है वो हमारे चीफ मिनिस्टर का ऐसे हाथ होता था, पूरी ब्लेसिंग होती। आदरणीय ठाकुर जयराम जी, ये तो चीफ मिनिस्टर ऐसे हैं। मैंने कहा क्योंकि RTA की मीटिंग होनी चाहिए, उन्होंने कहा यार मेरी तो कोई सुनता नहीं। तो फिर ऐसे पदों पर काय को बने रहना, यही विक्रमादित्य विधानसभा में रो रहे थे कि एक जगह मैंने उद्घाटन किया, SC को नोटिस जारी हो गया, ऐसे हुआ था ना, उनकी माता जी और वो कहीं पे उद्घाटन करने गए, सांसद है वो प्रतिभा देवी, मैं भूल जाता हूँ कई बार उनको कि सांसद है लेकिन नहीं भाई, जो काम करता है वही याद रहना चाहिए, और वो याद भी रहता है, चाहे याद दिलाए चाहे याद ना दिलाए। लेकिन मैंने उस दिन विधानसभा में हम लोगों ने उनका उठाया, अरे बड़ा बुरा हुआ विक्रमादित्य तेरे साथ, तू वहां गया उद्घाटन करके आया और तेरे सामने तेरे एक्सिन को और तेरे एससी को नोटिस जारी कर दिया, ये कैसी सरकार है? एक मंत्री उद्घाटन करता और जो चीफ मिनिस्टर जो है वो एक्सप्लेनेशन कॉल कर देता है। आपके यहाँ तो सुंदर नगर के ही हमारे एक्सिन है बेचारे उनके, और विनोद हाँ ये तो तेरे को नोटिस दी जाए, इसको भी हो गया है। मैं सुन रहा था आजकल कोई SHO कोई वो इंस्पेक्टर कोई ये क्या होते हैं वो तहसीलदार वगैरह ये वो, पर उनका भी दिमाग खराब हुआ पड़ा है, वो भी क्या है, पर उनको हम ठीक कर देंगे 2 महीने बाद, ये सारे ठीक होंगे। मैं सच्चाई कह रहा हूँ, किसी दिन मिलेगा फिर मेरे को बनाना, सबको लगाएंगे आगे, ऐसा भी वक्त आएगा, हम थोड़ी परवाह मारते हैं किसी की। देखो हम सिर्फ एक ही चीज से डरते हैं, वो है आप लोग, जनता, जनता। जिस दिन जनता साथ हो वही लीडर होता है, बाकी तो ऐसे खाम खा आपस से घुस घुस करके लाओ, ऐसे खाम खा की तालियां कोई बजाता है किसी के लिए? तो मैं भाई विनोद जी को बहुत बहुत बधाई, और सच में ये इनकी तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय प्रधानमंत्री जी को भी आश्वासन दे रहा हूँ कि मंडी जो है वो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ बन गई है, और ये गढ़